जबलपुर पांच सूत्रीय मांगों को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन ने चुनाव से ठीक पहले मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर में पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने नर्मदा तट ग्वारी घाट में जल सत्याग्रह कर प्रदर्शन किया। नर्मदा के पानी में खड़े होकर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और शिवराज सरकार पर पेंशनर्स की उपेक्षा का आरोप लगाया। सरकारी सेवा से रिटायर हुए पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारी राज्य के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते एरियर्स और 5 लाख तक मुफ्त मेडिकल सुविधा की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इनकी मांगों पर अभी तक ध्यान ही नहीं दिया है और इसी को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एचपी उर्मल्लिया ने अपना गुस्सा जताते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। हमारी ये मांग है 17% जो डीए हमारा बाकी है, जो केंद्र के अनुकूल हमको जुलाई 19 से एरियर्स के साथ दिलाया जाए। दूसरा जो बिंदु है 32 महीने का जो हमारा एरिया, जिसको 2-3-20 को माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, उसका पालन करके उसके राशि का भुगतान पात्रता अनुसार पेंशनर्स को किया जाए। 27 महीने का जो हमारा एरियर्स बाकी है उसका भुगतान हमको किया जाए। आपको बता दें कि पेंशनर्स एसोसिएशन बार बार प्रदर्शन और धरने आयोजित करती रहती है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है और अब पेंशनर्स ने जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। समाचार प्लस के लिए जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।